हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक इन आई यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पलाइन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि अगर आप REI यानी राधा स्वामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि क्लास 12 तक है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं 20 में यानी 2020 में, तो आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको जाकर DI की जो लिंक है मेन लिंक उससे जाकर दिखा देती हूँ REI की वेबसाइट यानी या बोल सकते हैं DI की वेबसाइट जिस पर REI के बारे में लिखा हुआ है क्योंकि वो दोनों ही ब्रांचेस एक ही हैं। तो मैं आ गई हूँ DI की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो दिया हुआ है, आप वहाँ से इस लिंक पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दयालबाग एजुकेशनल की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है REI इंटर कॉलेज दयालबाग आगरा। तो जैसा है कि आप सभी को पता होगा दयालबाग एजुकेशनल यूनिवर्सिटी जो है एक डीप्ड यूनिवर्सिटी है, उसी तरह से जो REI का भी जो बोर्ड है वो उनका खुद की कम्युनिटी से खुद उनका सेल्फ बोर्ड है, ना ही CBSE है ना ही UP बोर्ड है। और इसका जो मीडियम है वो हिंदी है, मतलब अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं तो वो हिंदी बोर्ड है ना यानी। और एक और बात मैं बता दूँ, REI जो इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए है ना। और अगर गर्ल्स कोई भी ज्वाइन करना चाहती है दयालबाग से रिलेटेड तो वो PV में जा सकती है। PV भी दयालबाग की ही एक ब्रांच है जो कि गर्ल्स स्कूल है। तो इसके आगे मैं बता देती हूँ आखिर इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद जैसा कि क्योंकि ये स्कूल है आपको पता होगा 6 से क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर पढ़ते हैं दयालबाग के, फिर वहाँ से पढ़ने के बाद जो बॉयज़ हैं उनको डायरेक्ट पास कर दिया जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है REI में, और जो गर्ल्स होती हैं उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है PV में 6th क्लास में। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर 6 के बाद जो स्टूडेंट है वो एंट्री लेना चाहते हैं जो दूसरे स्कूल से आए हैं और वो 6th क्लास में या 7th में कभी भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि उसके लिए टोटल से इसमें 40 सीट्स हैं, जिसमें से पहले तो डायरेक्ट स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अदर स्टूडेंट्स के लिए रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा है ना, उसके बेसिस पर एडमिशन दिए जाते हैं। और अगर आप 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 80 सीट्स हैं, आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और जो 8th से करके आएंगे PV वो इसी स्कूल से REI से उनको 9th में डायरेक्ट दिया जाएगा, लेकिन जो बाहर के स्कूल से आएंगे उनको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उसे देकर एडमिशन लेना होगा। अगर आप 11th में लेना चाहते हैं तो 80 सीट्स साइंस के लिए, 40 सीट कॉमर्स के लिए हैं, और जो 10th पास होंगे REI से उनको डायरेक्ट पास कर दिया जाएगा, मतलब आगे 11th में अलॉट कर दिया जाएगा। और जो दूसरे लोग हैं मतलब दूसरे स्कूल से हैं वो लेना चाहते हैं उनको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देना होगा, जैसा कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको वहाँ पर जाकर जो मतलब फॉर्म होता है वो एडमिशन फॉर्म लेना होगा। जैसे ही एडमिशन फॉर्म आएंगे मैं आपको बता दूंगी। अभी जैसा कि आप सभी को पता है कोरोना की वजह से जो एडमिशन है वो भी डिले हो गए हैं। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया था आपको जो प्राइमरी स्कूल है क्लास 5th तक का जो सरन आश्रम नगर प्राइमरी है और PV प्राइमरी है वहाँ से जो स्टूडेंट पास करके आएंगे उनको डायरेक्ट 6th में सेंड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। जो गर्ल्स होंगी उनको PV में और जो बॉयज़ होंगे उनको REI में है ना। और फिर जब उनके उनसे सीट वैकेंट बच जाएंगी, जब सीट वैकेंट बच जाएंगी वो जितनी भी सीट लेफ्ट होंगी वैकेंट उनके लिए एडमिशन प्रोसेस किया जाएगा जो दूसरे स्कूल से हैं उनके लिए। सीट्स मैंने आपको ऊपर बता ही दी हैं कि किस क्लास में कितनी सीट्स हैं है ना। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखा हुआ है इंटरनल स्टूडेंट को डायरेक्ट पास कर दिया जाएगा, जो भी 8th से आए हैं उन्हें 9th में, या 5th से जो दूसरे प्राइमरी स्कूल से हैं DI के उनको डायरेक्ट 6th में कर दिया जाएगा है ना। आप यहाँ पर स्ट्रीम देख सकते हैं और सब्जेक्ट देख सकते हैं कि आप जो एडमिशन लेना चाहते हो उसमें कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, लेकिन ये बात है कि इसमें हिंदी मीडियम रहता है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको फॉर्म दिख रहा है वो ऑफलाइन एडमिशन फॉर्म मिलता है, आपको वहाँ से जाकर लेना होगा। जिस भी विंडो पे आएगा जब आएगा मैं आपको बता दूंगी है ना।
और यहाँ पर 10 रुपीज़ इसका फॉर्म लिखा हुआ है, ये पुरानी लिखे हुआ है 2016 का, ये जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं आपको बता दूंगी। आप इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको मिलती रहेगी हमारी अपडेट सबसे पहले। इसके बाद मैं आपको बता दूं, कॉलेज जो स्कूल है उसमें NCC भी प्रोवाइड, अगर आप NCC लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, PV में भी ले सकते हैं और बॉयज़ REI में भी ले सकते हैं। और अगर हम अगर ड्रेस की बात करें तो वाइट शर्ट है, डार्क ब्लू ट्राउज़र है और सॉक्स और ब्लैक शूज़ हैं। और विंटर की बात करें तो समर ड्रेस के साथ साथ जो नेवी ब्लू ब्लेज़र ले सकते हैं या फिर ग्रे और ब्लू कलर का स्वेटर भी ले सकते हैं। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।